हिंगावती के मराकेश के घोड़सरा अवामी वक्र पार्टी के सदर और बलूच मुतहदा माजे कन्वीनर वाजा यूसुफ मस्ती का दस्तबंदी कना है क्या बैत दो दां का मुक्शी मिस्टर चिपनीश मोमा बलोच मुतादा माज संगतम खासकर अकबर वली डॉक्टर असगर दूवी संगतम वायद है मैं अर्च के संगति बीता ईशा मर्ची के प्रोग्राम के जोड़ को ईशा देवा पर के वास्ता बाज मेहनत को मैं शुक्र गुजार हूँ और जाहिर है मैं दरमियाना चे या कंचे कुए मरकबे के मैं सहारा या मैं सब तक कुछ रहते कि भाई मारा अर्च वैली गिरी कम से कम मैं करा कुए निष्ठा हमारा चारी बारा मैं दोस्त संगता नहीं डॉक्टर मालिक साहब है अब्दुल करीम ज़ियारत वाल साहब है लाला फकीर महोदय अमीर नवाब साहब है अख्तर हुसैन एडवोकेट है मनी बारुक आमना बीबी है डॉक्टर हई है आला साहब है उसमें एक मैंने जने किए जागे लेट अटका बोले तो पिंडाल में बैठे हुए मेरे दोस्तों आज हमारे यहाँ जो सिलसिला है जिस तरह के हमारे बुजुर्ग जितने भी हैं तकरीबन वो बीमारी की आदत में जितने भी बुजुर्ग हैं आप असफल अय्यार वली को देख लें आप मुझे देख लें हमारे जितने भी उस खेल की जो एक वो थी जो सेकेंड कैडर थर्ड कैडर लीडरशिप है वो भी अब बूढ़े हो चुके हैं और तकरीबन वो मर्ग की तरफ गामजन है तो सरदार अताउल्लाह के कॉल को अगर हमने और उसके उफकार को अगर हमने आगे बढ़ाना है तो हमने फिर वो तहरीक को जन्म देना है जो सरदार अताउल्लाह मेंगल अब्दुल समद खान अचकजई खान अब्दुल गफ्फार खान मीर गौस बख्श बिजनजो और उनका साहेब और यहाँ पर हमारे मुख्तलिफ साथी थे जिसे बलोचों के हवाले से साथी ने कहा लेकिन मैं समझता हूँ बलोच जो है ख़ासकर कराची का बलोच ये तो बलोचिस्तान का फिक्री असासा भी है क्योंकि अगर कोई डिक्शनरी बना बलोची में वो भी लियारी में बना बलोचिस्तान ने कोई डिक्शनरी नहीं बनाई लियारी के साथियों ने बैठ कर बलोची डिक्शनरी दी और ये हमने ज़ाहिर है मदीर में लाइब्रेरी भी खड़ी की है अगर उस वक्त को देखा जाए जिस वक्त सरदार अताउल्लाह साहब और नैब की सियासत थी तो उस वक्त दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी एक सरमायादाराना ममालिक थे वो एक तरफ थे सोशलिस्ट कैंप एक तरफ थी और उस वक्त की हमारी कौमी जदोजहद जो है उसको हमेशा सोशलिस्ट कैंप जो है वो मदद करती थी और उसके हक में बोलती थी जहाँ तक साम्राज्य ताकतों का सवाल है उन्होंने तो पाकिस्तान की फ़ौज से 1954 में ही एग्रीमेंट कर ली थी कि आप हमारे फ्रंटलाइन फ़ौज हो और हमें जो मुसीबत आएगी आगे चलकर रूस के खिलाफ तो हम इस्लाम के नाम पर आपको उधर लड़ाएंगे और रूस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ये सबसे बड़ा दुश्मन हमारा वो रूस है और सोशलिस्ट कैंप है वो तो शिकस्त खा चुका है चला गया तो उस ज़माने में दो हिस्सों में कैंप में बटी हुई थी और हम जो कॉम्परस थे या तरक्की पसंद सोच के लोग थे या ये लोग थे वो अपना इम्पीटस लेते थे सोशलिस्ट कैंप से क्योंकि सोशलिस्ट कैंप मौजूद है हमारी जदोजहद मौजूद रहेगी और हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उसी खेप के दौरान जो है ये सारी लीडरशिप ने अपनी पॉलिटिक्स की चाहे गफ्फार खान हो चाहे अब्दुल समद खान अचकजई साहब हों चाहे मीर गौस बख्श बिजनजो साहब हों चाहे अताउल्लाह मेंगल साहब हों ये सब के सब उसी खेप में रेजिस्टेंस का एक सिंबल बने और रेजिस्टेंस करते रहे लेकिन सोवियत यूनियन के अधिग्रहण के बाद दुनिया एक पावर के पंजे में चली गई वो है अमेरिकन इम्पीरियलिज्म या वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म जिसको कहते हैं
محبوس کے شکنجے میں چلی گئی اور اس کی وجہ سے جو لیفٹ کی پولیٹکس ہے یا جو قوم پرستانہ پولیٹکس ہے جو قوموں کے آپ کے خود ارادیت والی پولیٹکس ہے اس کو بہت بڑا جھٹکا لگا اور وہ اس کو اتنا بڑا جھٹکا لگا کہ وہ پیچھے ہٹے اور اس کے جو باقی لیڈر صاحبان بچے تو ان کی کوشش بھی یہی تھی کہ کسی طرح ہم پارلیمنٹ میں جائیں کسی طرح ہم صوبائی اسمبلی کا ممبر بنیں کسی طرح ہم قومی اسمبلی میں جائیں تاکہ ہماری بات سنی جائے اور ہمارا موقف جو ہے وہ سنا جائے اور ہمیں سنا جائے اور آگے ہمارے لیے ہمارے لوگوں کے لیے قوم کے لیے لوگوں کے لیے کوئی راستے اچھے نکلیں یہ کوشش بھی رہی اور کی ہم نے سب نے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس کوشش میں جو پارلیمنٹ میں جانے کی کوشش تھی ہماری جو صوبائی اسمبلیوں میں جانے کی کوشش تھی ہماری جو منسٹری حاصل کر کے اور لوگوں کے لیے کام کرنے کی کوشش تھی ہماری وہ رائے نہ چلی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو بھول گئے تھے کہ یہاں اگر پارلیمنٹ ہے تو جی ایچ کیو میں ہے اگر حکومت ہے تو جی ایچ کیو میں ہے اگر فیصلے ہیں بین الاقوامی حوالے سے بھی کرنے ہیں یا اس حوالے سے بھی کرنے ہیں وہ تو جی ایچ کیو سے ہوتے ہیں جب تک اس جی ایچ کیو کو دھکیل دے کر دوبارہ آپ بھیجیں گے نہیں اس کے جی ایچ کیو کے اندر بند نہیں کریں گے کوزے کے اندر بند نہیں کریں گے اس ملک کے اندر نہ جمہوریت آئے گی نہ قوموں کو حقوق ملیں گے نہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ ورکنگ کلاس کو کچھ ملنے والا ہے تو اس لیے اگر ہم سردار عطا اللہ کی سیاست کو دیکھیں یا میر صاحب کی سیاست کو دیکھیں یا غفار خان کی سیاست کو دیکھیں صمد خان کی سیاست کو دیکھیں اس زمانے میں جو گریٹ گیم والا چکر ہوتا تھا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک متحدہ مشترکہ پلیٹ فارم ہم نے بنا کے اور اپنے کو جوڑا اینٹی امپیریلسٹ کانگریس پارٹی کے ساتھ جو انگریز کے خلاف لڑ رہی ہے ہمارا جو سیاسی ٹریننگ ہے وہ اینٹی امپیریلسٹ ہے ہمارا جو سیاسی مقصد ہے وہ جد و جہد ہے راستے ڈھونڈنا نہیں ہے کہ کہیں سے ہم کوئی تلاش کریں کوئی شارٹ کٹ شاید اس شارٹ کٹ کے ساتھ ہم کو کچھ ملے گا لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ اصولی پولیٹکس کے اندر کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا آپ کو جد و جہد کرنی پڑے گی آپ کو مل کر جد و جہد کرنی پڑے گی آپ کو سردار عطا اللہ کے اس مشن کو کامیاب اگر کرنا ہے تو مل کر کے ایک نیپ ٹائپ پارٹی اگر آپ نہیں بنا سکتے تو کم از کم ایک اینٹی امپیریلسٹ نیشنلسٹ فرنٹ تو بنا سکتے ہیں جب ہم ملے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں وہاں پہ ان پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں جن کو فوج نے پالا پوسا بڑا کیا لیڈرشپ دی تم اپنوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے یہ تو تعجب کی بات ہو جاتی ہے میرے لیے کہ وہ ساری پارٹیاں جو جی ایچ کیو کی ہیں جی ایچ کیو کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے بھی تیار ہیں پی ڈی ایم آپ نے دیکھا پی ڈی ایم کا ہوا پیپلز پارٹی نے نکال دیا کمپرومائز کر کے تو اسی لیے یہ جدوجہد جو ہم نے شروع کی تھی غفار خان کے زمانے میں پاچا خان کے زمانے میں سردار عطا اللہ خان جو اس کا آخری مورا تھا جو ہم سے بچھڑ گیا مجھے یاد ہے سردار صاحب کا جب اسد اللہ خان مینگل کو شہید کیا گیا تو آغا صاحب ایک شخص تھا ہمارے یہاں جس کا نام جیلانی تھا جس کو شاید ڈاکٹر صاحب بھی جانتے تھے آپ بھی شاید جانتے تھے ہم لوگ اس وقت بی ایس او میں تھے ہم نوجوان تھے ہم یہ بولتے تھے کہ صاحب یہ آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے لیکن یہ سردار صاحبان ہماری نہیں سنتے ہماری نہیں سنتے بہرحال اچانک مجھے ٹیلی فون آیا جیلانی کا میرے گھر پہ کہ جی اسد اللہ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے سنا ہے اسد اللہ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اسد اللہ زخمی ہے آپ جا کے پوچھو کیا ہے میں تو پہلے بھاگا ان کے گھر کہتے گھر والوں کو نہیں پتا گھر میں گھر بھاگا تو باقی گھر والوں کو پتہ نہیں تھا لیکن گھر سے مجھے پتہ چلا کہ احمد شاہ کے ساتھ وہ گیا ہے بلک شیر کے گھر اور جب میں بلک شیر کے گھر پہنچا جس وقت میں پہنچا تو اسد جان کی گاڑی دیوار کے ساتھ ٹکرائی ہوئی تھی اس کے دونوں لائٹ آگے کے آن تھے
हेडलाइट, पूरा गाड़ी खून से भरा हुआ था, एक पिस्तौल पड़ा हुआ था नीचे पायदानी पे, जैसे लगा कि उसने पिस्तौल निकालने की कोशिश की लेकिन फायर पहले हो गया। मैंने वहाँ लोगों को पूछा क्या हुआ, कहने लगा जी ये आए थे यहाँ, जिलानी साहब का फोन आने वाला था बेटे से, वो जिलानी साहब को सुनने के लिए आए थे, अचानक जब ये आके इधर पहुंचे अंदर बैठे तो पूरे इलाके की लाइट बुझा दी गई, एक गाड़ी आगे नुक्कड़ से आई गली में, एक गाड़ी यहाँ से आई, और ये असदुल्ला और अहमद शाह ये दोनों बाद जाके गाड़ी में बैठे क्योंकि अंदर गर्मी थी। और जब वहाँ से वो दो गाड़ियाँ आई तो ये समझ गए, इन्होंने गाड़ी स्टार्ट की निकलने की कोशिश की तो सामने वाले गाड़ी ने गाड़ी सामने लाई तो ये आके दीवार से टकराया, तीन आदमी निकले इस गाड़ी में से, फायर किया और दोनों को बोरियों में डाल के एक गाड़ी में डिक्की में डाल के ले गए। ये न्यूज जो है हमने अपने घर में जब सुना, सरदार बलोच खान भी आए हुए थे वहां से, हमने सुना तो हम बड़े परेशान हुए। सरदार अताउल्ला भी दिल का आरजी में मुब्तला, ये हॉस्पिटल में थे इसमें NICG। अब ये हमारे लिए मुश्किल हो गया था कि जी कौन जाके सरदार को बताए ये मामला, क्योंकि सरदार बीमार है तो वैसे ही हार्ट फेल हो जाएगा उसका ये सुन के असदुल्ला का। और असदुल्ला बहुत ही प्यारा लड़का था, मैं तो ये कहता हूँ कि सरदार के सारे बच्चों में अगर हीरा कोई था तो वह असद था, इतना प्यारा लड़का, इतना प्यार करने वाला, इतना इज्जत देने वाला, इतना अजीम लड़का। तो सरदार का राइट हैंड मैन भी वो था, तो कौन कहे कौन कहे, कहा कि जी बलोच खान, सरदार बलोच खान जाके उसको बताएंगे। मैं भी सरदार बलोच खान के साथ हो गया, गए NICD, इधर उधर की बातें हुई तो फिर बलोच खान ने उसको कहा सरदार आपको पता है, तो कहा कहते असदुल्ला जो है उसको गायब कर दिया गया है, वो गए वहाँ से उसको उठा के ले गए अहमद शाह और इसको, तो इसको ले गए कहते भुट्टो ले गए, और मुझे पता है मेरा बेटा जिंदा नहीं है, लेकिन मेरा बेटा असद नहीं है, पूरा बलूचिस्तान जो इस वक्त लड़ रहा है वो मेरे बेटे, और भुट्टो समझता है कि मेरे बेटे को कत्ल करने के बाद मैं उसके जूते चाटूंगा, उसको गलती है, लेकिन उसको ये बात पता होनी चाहिए कि असदुल्ला आज मरा कल तुम फांसी चढ़ोगे। तो बिल्कुल उसको कोई परवाह ही नहीं, ठीक है कुर्बानी है होता है देते। तो इसे ऐसे लोगों के लिए अगर हम जब हम बनाते हैं उसका दिन, तो जरूरी होता है कि हम उसकी सियासत के ऊपर जोर दें, और उसकी सियासत क्या थी, किस तरह थी, जाहिर है वक्त बदलता है, सियासत में भी तब्दीलियाँ आती हैं, लेकिन प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, असूल को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जिस दिन हमने असूलों को कॉम्प्रोमाइज किया उस दिन हम गुलाम हो गए, खत्म हो गए, सत्यानाश हो गया। जिस दिन हमने ये सोचा, जाहिर है इस मुल्क के अंदर कौन लाता है, अगर बलूचिस्तान के अंदर कोर कमांडर सारा बलूचिस्तान चलाता है, डॉक्टर साहब को भी पता है सारा बलूचिस्तान कोर कमांडर चलाता है, बाप किसने बनाया और किसने बनवाया। अफसोस की बात यह कि जब बाप बना, यही जरदारी साहब का बयान था कि जी मैं नहीं छोड़ूंगा किसी सूरत में मुस्लिम लीग को कि वो सेनेट में मेजॉरिटी दे, यही जरदारी साहब इसी का बयान था, फिर भी हमारे साथी उसके साथ बैठ के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जद्दोजहद करने गए, मैं तो हैरान हूँ। और आज भी आपकी पार्टी बैठी थी उन लोगों के साथ जो एस्टेब्लिशमेंट के पूरे पूरे लोग। तो इसलिए अगर चाहते हो कि इस मुल्क के अंदर बलोच, सिंधी, पश्तून, सरायकी, मजलूम तबकात, जो मजदूर और किसान और बेचारे यहाँ आते हैं काम करने अपना रोजी कमाने, या खुद पंजाब में हैं जो बिल्कुल कुचले हुए हैं, उन सब का मिलकर ऑप्रेस्ड नेशंस और ऑप्रेस्ड क्लासेस की स्ट्रगल को जोड़ कर अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, बड़े मुश्किल हमारे पास आने वाले हैं। और अभी तो यहाँ जो अफगानिस्तान की सूरत हाल आपने देखी है, अभी तो यहाँ मजीद इंटरनेशनल ग्रेट गेम शुरू होगा,
और सबसे बड़ा नुकसान पश्तून को, सिंधी को और बलोच को, क्योंकि उनका एरिया लगा हुआ अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, हम तो वैसे ही पहले ही करार दिए जा चुके हैं, जब से हम पैदा हुए हमें कह दिया गया है कि भाई ये बलोच है तो काफिर है, ये बलोच है तो गद्दार है, ये बलोच है तो ये बेकार है, अनपढ़ है, जाहिल है, मंशियात फरोश है, मंशियात करता है, हमें तो ये लकब दिया गया है इस रियासत में। फिर जब कहते हैं कि जी इस आइन को बचाना, कौन सी आइन को बचाना, ये आइन जो ना बलोच को मानता है, ना सिंधी को मानता है, ना पश्तून को मानता है, ना किसी को नहीं मानता, किसी का जिक्र नहीं है इसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव आइन है। जब 18वीं तरमीम कर रहे थे तो मैं कह रहा था भाई ये एडमिनिस्ट्रेटिव आइन के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा थोड़े से सब्जेक्ट इधर लाओगे, बस यही करोगे, जब तक आप पाकिस्तान का स्ट्रक्चर नहीं तब्दील करोगे ये पाकिस्तान नहीं बन पाएगा, जब तक पाकिस्तान के अंदर ये आप तस्लीम नहीं करोगे कि पाकिस्तान बनने से पहले या आजाद रियासतें थी जिन्होंने अपनी सॉवरेनिटी मुश्तरक करके इस मुल्क को बनाया, हम इसके खालिक हैं, जब तक इस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं तब्दील करोगे, उसके लिए जद्दोजहद नहीं करोगे, इस मुल्क के अंदर कुछ नहीं होने वाला है। एक मलिक रियाज के खिलाफ हम कितने अरसे से जद्दोजहद कर रहे हैं, कितने अरसे से, कौमी असेंबली में हमारे सारे दोस्त बैठे हुए हैं, किसी की आवाज हम नहीं सुनते असेंबली के अंदर के जी वहां हमारे लोगों को बेदखल किया जा रहा है। तो इस माहौल के अंदर अगर हम जुड़कर सियासत नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के गम और गुस्से को, सूद और ज्यान को मिलाकर सियासत नहीं करेंगे, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है, ना पश्तून को मिलेगा, ना बलोच को मिलेगा, ना सिंधी को मिलेगा। फिर सिंध के अवाम को मैं ये कहना चाहता हूं, बलोच मुत्तहदा महाज हमने सिंधी के खिलाफ नहीं बनाया, हमसे बड़ा सिंधी यहां है ही नहीं, अगर कोई सिंधी सही मानों में है तो वो हम हैं, और हमको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि हम सिंधी हैं या नहीं है, हमने हमेशा सिंध के लिए जद्दोजहद की है, लैंग्वेज राइट्स हुए हैं वो कराची में हुए हैं, जो भी झगड़े हुए हैं सिंध के हवाले से वो कराची में हुए हैं, कराची के बलोच उठे हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। तो इसीलिए ये बीएमएम से डरो मत, ये आपको खाएगी नहीं, ये आपको सपोर्ट करती है, आपकी कौमियत को सपोर्ट करती है, आपके स्ट्रगल को सपोर्ट करती है, लेकिन ये भी आपको मानना होगा कि यहाँ सिंध के अंदर अगर बलोच रहता है तो वो अपनी जुबान रखता है, वो अपनी तहजीब रखता है, वो अपनी शनाख्त रखता है, डंडे के जोर से वो नहीं अलग सिंधी बन सकता, वो आस्ते 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 एमलगमेशन होती है, कौमों के अंदर जो डेवलपमेंट होती है इंडस्ट्री के हवाले से भी कौम की जुबान में, तहजीब में, हर चीज़ में तब्दीली आती है, अगर कोई फातह आके फतेह करके बैठ जाता है भी कौम के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं। अभी इधर 5000 साल पहले जो मोहनजोदड़ो की तहजीब थी और कल्चर था, आज वो सिंधी कल्चर मौजूद नहीं है, आज वो लिबास भी मौजूद नहीं है। तो कौमियत और कौम परस्ती ये चेंजिंग एक सिनारियो है, ये स्टैटिक नहीं होता, इसमें तब्दीलियां आती हैं, रहता वो बलोच सिंधी है लेकिन तब्दीलियां आती हैं जुबान में, कल्चर में, उसमें हर चीज में। तो इसलिए मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ अपने साथियों से, और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आज आए यहाँ हमारे पास लहरी में, हमारी बहनें भी हैं सारे बैठे हैं, और अपना दुख दर्द सरदार अताउल्लाह के हवाले से हमारे साथ बांटे। सरदार अताउल्लाह एक ऐसी शख्सियत थी, अगर उसके साथ आप सीरियस डिस्कशन करें भी सीरियस होते थे, एक उनमें ज़रूर एक खामी थी कि गुस्सा जल्दी होते थे, नाराजगी उसकी बड़ी, रिएक्शन जो थे उसके बड़े शार्प, कभी कभी अचानक बहुत शार्प रिएक्शन दे देते थे, लेकिन फिर ठंडे भी होते थे और ह्यूमरस भी थे, मजाक भी करते थे, मैं उसकी पॉलिटिक्स से तो शायद इख्तलाफ कर सकता हूँ, लेकिन उसकी कमिटमेंट, उसकी कुर्बानी, उसने जिस तरीके से बलोच कौम और कौमियतों के लिए जद्दोजहद की है, उसको हमेशा के लिए मैं सलाम पेश करता हूँ। घुड़सरा
महायुक्तराएं गिराकदर मेहमान के दत्तलोसरा आयी चदरे जोला का मेहनत गिरा क्या आया मैं आवाज़ पता लबे गोश्त वे रिप्रेसा शरीक पीता और मरी चीगें ताजी थी रिप्रेसा शरीक वो के मरी शरबंदे वाजें कमाशा शुरसानी लक मेहनत मावत ही मरुचिंगे देवाने बागैदा अलासी जारा जने मेहनत वारा।